محمد أنا وسعد أنا محمدا وسورة لا محمدا وسورة لا محمدا पहले पढ़ो मोहम्मद उसको छोड़ो मोहम्मदन बोलो मोहम्मदन अब्दुहू रसूल अल्लाह पूरा पढ़ते ना जानो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजने लगी हूँ और बच्चों को इतना मुश्किल है तैयार करना ना, और खास करके इसे तैयार करना बहुत मुश्किल है नहीं, क्योंकि ये भी लाडियां ही नहीं इसकी खत्म होते और मुंह भी धो लो जाके। अब मुंह नहीं धोती है सुबह, ना इसने मुंह धोना आता है, ना इसे टीथ ब्रश करना आता है। और आपने मिल्कशेक पिया? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज राइस, बहुत सिंपल तरीके से। चीजें मैंने कटिंग करके रख ली हुई है बेटा, इधर जैसे कि ये आप अपनी मर्जी की चीज जो आपको पसंद है ना सब्जियां, वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि बंद गोभी हो गई, जो भी हो गया। देखिए मेरे पास बंद गोभी नहीं है, तो मैंने आज ये जो है गाजर जो है इसको लंबा लंबा सा काट लिया है, ग्रेट काट लिया, इसे कद्दूकश काट लिया। बेल पेपर को हमने, इसको बेल पेपर को स्पेनिश में क्या कहेंगे? पिमेंटो। ये हमने ग्रीन कलर की जो है ना वो उसको लंबा लंबा काट लिया। ये स्प्रिंग ऑनियन है, यानी कि जिसको हम कहते हैं पूका वाला थूम, ठीक है, ये उसे काट लिया। ठीक है, चाइनीज ये राइस हो या चाइनीज कुछ भी हो ना मरिया, उसके अंदर ये बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने अंडा जो है इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग डाल के, काली मिर्च डाल के, थोड़ी सी पिंच ऑफ सॉल्ट और मसाले की चुटकी नमक हमने डाल के इसको हमने पका लिया। फिर इसको लंबा लंबा या जिस तरह का भी आपने वो शेप देना, मैंने रफली साइज को ना काट लिया, छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे में हमने काट लिया। ये पाइनएप्पल है, ठीक है, टिन का मैंने यूज कर लिया और वही सही रहता है, जो ताजा होता है ना फ्रेश वो नहीं सही रहता, तो ये टिन से मैंने निकाला, तो इसको छोटे छोटे क्यूब्स मैंने काट लिया। ये फ्रीज, यहाँ फ्रीज हुए आपको होता है मटर मिलते हैं बेटा, तो जो फ्रीज किए हुए मटर है ना वो मैंने ना एक कप के बराबर मैंने निकाल लिए है। ठीक है, अब इधर क्या है, इधर चिकन है, हाँ बोनलेस चिकन है, और इसको भी मैंने ना ऐसे जो लंबा लंबा ना वो काट लिया। ठीक है, और अब इसको इसके लिए चिकन के लिए मैंने ये जो है ना मैदा है बेटा, तो इसके अंदर मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर डाला है। कितना डाला आपने? जो आपका टेस्ट है बेटा। अच्छा। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो वो आ जाए। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और नमक डाला है, या कि वो भी इसमें तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट चुटकी बराबर आप नमक कह सकते हो ना। ठीक है, ये रहा अंडा, और इसके अंदर भी काली मिर्च और थोड़ा सा जर्दा रंग मैंने डाला है और नमक डाल लिया। ठीक है, ये हो गया, ताल बहुत होगा। ठीक है, ये अब हमने ना पहले सब्जियां फ्राई करनी है, बिल्कुल शैलो फ्राई करनी है, ज्यादा नहीं फ्राई कर देनी है, क्योंकि क्रंच जो होता है ना चाइनीज में जो खाने होते हैं उसमें अच्छा लगता है। हम ये बेल पेपर, शिमला मिर्च जो ग्रीन कलर की सब्ज रंग की है, उसको पहले फ्राई कर लेंगे। तो ये बेल पेपर हो गया, ठीक है, इसे मैं निकाल रही हूँ। क्या करना है इसे बेटा? शैलो फ्राई करना है। क्या करना है? शैलो फ्राई। अब हम कैरेट डाल देंगे इसमें, जो गाजरें हैं ये भी हो गई है फ्राई, इनको मैं निकाल लूंगी। इसमें बस इसको कड़कड़ाना है हमने सिर्फ एक मिनट के लिए, ये फटाफट हो जाएंगे जी। स्प्रिंग ऑनियन है अब, ठीक है, ये भी हो गया, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब ये ऑयल गर्म है और हमारे पास फ्रीज किए हुए टमाटर है, यानी कि इसमें पानी होता है। ठीक है, तो हमने बड़ी एहतियात से देखा, आवाज आई है पीछे हो जाओ आप, एकदम नहीं डालना वाले, हाँ जी ठीक है। अब ये भी हो गई है तो हम इसे निकाल दें, ठीक है।
अच्छा अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं, चिकन की तरफ। क्या करना है? चिकन। अब हम इसके अंदर अरीना के अंदर वो करें ना। हाँ जी, जो मैदा जिसके अंदर हमने स्पाइस डाली है, नमक डाला उसके अंदर, और साथ साथ इसको हम फ्राई करते जाएंगे और ऐसे हम रखते जाएंगे। ओके, जी चिकन हो गया, दिखाओ जरा। ठीक है, अब ये इसी ऑयल में, आपके सामने कितना ऑयल डाला था, इसी ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक है, दो तीन। ठीक है, इसको हमने फ्राई करना। अब ये हो गया, थोड़ा सा पानी बस। ठीक है, थोड़ा सा, मुझे यहाँ से एक चम्मच नहीं होना ये पानी डाला, वो जो साथ में एक्सेस लगे हुए थे वो सारे करना शुरू हो गई, चिकन ही था सारा एक्चुअल में। ठीक है, ये उतर गया। अब इसी के अंदर हमने डालने हैं विनागर, विनागर 1 स्पून, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सोया सॉस, सोया सॉस ये डाल दिया। इसी के साथ हमें थोड़ी सी ये केचप, मुझे केचप नहीं चाहिए, बस स्मेल के लिए, स्मेल इसकी अच्छी होती है, तो थोड़ी सी बस केचप। और ये जो हमने ये किया है ना, ठीक है, बोनलेस चिकन जो हमने किया है, तो इसको बीच में ऐड कर देना। हमने सब्जियाँ जो फ्राई की थी ना वो डाल दी, सारी डालनी है जी। है चैंपियन में मशरूम, मशरूम की इस जगह पे कि सारा कुछ पका हुआ है, हम जो इसके स्पाइस है ना वो डालेंगे। सबसे पहले तो अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट जो होता है वो, अजीनोमोटो 2 टेबल स्पून अजीनोमोटो, या चावलों के हिसाब से जहाँ, क्योंकि चावलों में भी नमक हमने डाल के बॉयल किया हुआ है। ब्लैक पेपर भर के 1 टेबल स्पून, मेरे बच्चे थोड़ी सी स्पाइस पसंद करते तो ये हो जाए। मैं कुछ मिंट के बेटा इसके अंदर ना पत्ते डाल रही हूँ सिर्फ स्मेल के लिए, थोड़े से मिंट। ठीक है, मिंट लीव्स है ना, थोड़े से, ज़्यादा डालने नहीं है। मेरे बच्चों ने रखा हुआ किचन गार्डन टेरेस पे, सब्जियाँ ये उड़ रखी है। आई स्मेल, कितना फ्रेश ही है। सारा कुछ बैलेंस हो गया, सब्जियाँ ऑलरेडी पकी हुई थी, चिकन ऑलरेडी जो पका हुआ था, तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें राइस डाल देंगे। अच्छा बेटा, सारा कुछ हो गया, अब हमने इसको दम पे लगाना है। ठीक है, करना है ये जो हमने अंडा जो है पकाया हुआ था ये डाल देना है, पाइन एप्पल के पीस डाल देने हैं। कितना खूबसूरत देखो लग रहा है। ठीक है, बस इसको हमने 10 मिनट दम पे रखना है और ये तैयार है। ये अब हमने दम पे लगा दिया 10 मिनट के लिए। ठीक है, अब मैं सफाइयां कर लूँ, उतनी देर में पक चुके होंगे, रेडी होंगे। चलो बेटा, तो मजे का। अब हम इसे मिक्स करें और आपको नजर आ रही खड़े खड़े माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है सर। को आज ही खा ले, आके आज अभी खा ले, तो मजे का ना। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कोई बड़ी तीस मार हाँ वाली कोई तरकीब डाली है जी, इसमें ये भी डालें, ये भी डालें, ये भी डालें। सारा काम जो होता है वो कटिंग का होता है, और जो हमने सौते करनी होती है सब्जियाँ उसका होता है, बाद में सब कुछ हमने मिक्स कर देना होता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है चाइनीज रेसिपी, और ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़ जी, और मामा को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।